वेलकम टू माई चैनल एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यूएई के सबसे बड़े हिंदू टेंपल को, जो कि यूएई में अबू धाबी में बनकर रेडी हो चुका है। 14 फरवरी 2024 को सिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना टाइम बर्बाद किए। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अबू धाबी हम लोग कैसे जाएंगे। तो अबू धाबी हम लोग बाय फ्लाइट जा सकते हैं। यहाँ से अबू धाबी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2,556 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग आराम से फ्लाई करके कवर कर सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। अबू धाबी के लिए इंडिया से सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है वो है 8,000 से लेके 22,000 तक, सबसे चीपेस्ट है, जिसमें कि 7.5 घंटे के आसपास समय लग जाता है। अगर आप और जल्दी पहुंचना चाहते हो अबू धाबी तो आपको फ्लाइट का कॉस्ट जो है ना वो पड़ने वाला है 11,000 से लेके 33,000 तक आपको पड़ने वाला है। तो आप आराम से 4.5 घंटे के आसपास आप पहुंच जाओगे। तो गाइस हम लोग आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक पे। पहले बात कर लेते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी जो है ना वो कैपिटल है यूएई का। अबू धाबी को हम लोग मोतियों का शहर भी बोलते हैं एंड ये काफी ज्यादा फेमस है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। इसको फ्यूचर ऑफ सिटी भी बोलते हैं। यहाँ की बिल्डिंगें काफी बेहतरीन है और रोड काफी बढ़िया है, जिसके चलते यहाँ की गाड़ियाँ इंसानों से कम और हवाओं से ज्यादा बात करती है। अबू धाबी दुनिया के सामने इतना ज्यादा अमीर बन पाया उसका बस एक ही दो रीजन है। पहला रीजन है तेल। यहाँ पे तेल की कमी नहीं है, जैसे इंडिया में पानी की कमी नहीं है वैसे ही यहाँ पे तेल की कमी नहीं है। एंड दूसरा रीजन है टूरिज्म। टूरिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबू धाबी के डेवलपमेंट में। और यहीं पे एटीएम से सोने के टुकड़े भी निकलते हैं और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज काफी एडवांस है, साथ ही साथ एजुकेशन भी। तो गाइस यूएई में काफी ज्यादा पैसा है, जिसके चलते ये दुनिया के अलग अलग कंट्री से लोगों को बुलाते हैं, टैलेंटेड लोगों को बुलवाते हैं एंड अपने आप को एडवांस बनाते हैं। यहाँ पे रहने वाले इंसान काफी ज्यादा अमीर है एंड हर किसी के पास आपको एक सुपर कार देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अबू धाबी काफी ज्यादा सुंदर है एंड देखने में काफी बढ़िया है, जिसके चलते आप पे हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और घूमते हैं। इसके अलावा आपको काफी बेहतरीन चीज देखने को मिल जाएगा अबू धाबी में, जैसे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थीम पार्क, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है एंड यहाँ पे आके आप घूम सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग गाइस अपने टॉपिक पे। तो अबू धाबी में 14 फरवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन कराया गया हिंदू टेंपल का। अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर अबू धाबी तक एक ही नाम गूंज रहा, वो भी जय श्री राम के नारे ही केवल गूंज रहे हैं। इस इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेंपल बनाने में लगभग 6 साल का समय लग गया। 6 साल के बाद आज टेंपल कंप्लीट हो चुका है। तो ये पता चलता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो अब राम की भक्ति की ओर आ रही है। दैट मीन्स राम भक्त बनते जा रहे सभी लोग, जितने भी लोग पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2024 का जो स्टार्टिंग है वो हिंदू संस्कृति नए युग का शुरुआत हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है अयोध्या और अबू धाबी में हिंदू टेंपल का निर्माण होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस टेंपल को BAPS स्वामी नारायण शास्त्री और मंदिर लिमिटेड के द्वारा 27 एकड़ में बनाया गया है। 20 अप्रैल 2019 को महान स्वामी महाराज उनके प्रेजेंस में शिलान्यास विधि कराई गई थी। मंदिर के निर्माण के लिए पिंक सैंड स्टोन का यूज किया गया, जिसको राजस्थान से अबू धाबी भेजा गया। मंदिर के बाहरी हिस्से को पिंक सैंड स्टोन से बनाया गया है एंड मंदिर के अंदर के पार्ट्स को इटालियन मार्बल्स के चुनाया सजाया गया, जिसका निर्माण दिसंबर 2019 में स्टार्ट हो चुका था एंड 14 फरवरी 2024 को ये कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है। और किसी भी तरह का सीमेंट रॉड का यूज नहीं किया गया पूरे के पूरे मंदिर को बनाने में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर कमजोर है, मंदिर को और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया, जिसके चलते मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टेम्पल का हाइट जो है ना वो 108 फीट है एंड टोटल इसमें 7 शिखर बनाया गया। राम जी की शिखर पे तो पूरी की पूरी रामायण दिखा दी गई है। इसके अलावा 7 शिखर पर अमृत कलश भी लगाया गया। हर दीवार पे आपको कोई अलग तरह का डिजाइन देखने को मिल ही जाएगा, जैसे हाथी कैमल का भी यूज किया गया। हाथी कैमल भी आपको वॉल पे बना हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टेम्पल से भी कुछ कुछ डिजाइन लिया गया एंड बहुत सारे ग्रंथ कथाओं से भी डिजाइन लेके और इस मंदिर में पूरा तराशा गया। 5,000 वर्कर के द्वारा इस मंदिर को कंप्लीट बनाया गया है एंड इसमें 3 साल का समय लगा है इसको बेहतरीन डिजाइन देने में एंड एक एक चीज को बारीकी से तराशने में एंड टोटल 400 मिलियन धीरम खर्च करके राम मंदिर को कंप्लीट बनवाया गया है। इसके अलावा मंदिर हाउसेस भी आपको देखने को मिलेगा, मूर्ति ऑफ स्वामी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती, गणेशा, कार्तिकेय, जगन्नाथ, आपको बहुत सारे ऐसे हाउसेस भी देखने को मिलेंगे मंदिर के अंदर। इस्लामिक देश में इतना बड़ा टेम्पल का निर्माण यूएई एंड भारत के रिश्तों को दिखाता है कि वो अब धीरे कितना ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। अबू धाबी में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद यहाँ पे काफी लोग
मतलब टूरिस्ट जो पहले आते थे ना उसके कंपैरिजन में अब ज्यादा आने वाले हैं। हिंदू संस्कृति अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर कोई हिंदू संस्कृति के बारे में जान रहा है और जानना भी चाहता है। और गाइस एक ही चीज सोचता है कि राम जी की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में किसी को भी। गाइस टाइम आ चुका है बैक पैक करने का और अबू धाबी निकलने का। वैसे अबू धाबी आप कब जा रहे हो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही एक्सप्लोरिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में।